वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज हम आपको लेकर के आए हैं पुराना किला, और मेरे देख पीछे आप देख सकते हैं यह है पुराना किला की लेक, एक बहुत ही बड़ी झील है ये। और ये जो है यहाँ से बिल्कुल पूरा गोल यहाँ से यहाँ तक आप इस पर घूम सकते हैं। तो फिलहाल तो गाइज इसमें जो है बोटिंग इसमें हो नहीं रही है, और इसका जो टिकट है 20 रुपये का टिकट इसका अलग से आपको लेना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर हरियाली है और कितने सारे लोग यहाँ पे हैं। तो अभी जो है हम आपको इस पुराने किले में हर एक चीज़ यहाँ पे घुमाने वाले हैं, और एक एक जानकारी एक एक इतिहास यहाँ पे आपको हम देने वाले हैं। तो आइए आपको हम घुमाते हैं पुराना किला। और ये है यहाँ का मेन दरवाज़ा जिसको कहलाता है बड़ा दरवाज़ा। और ये देखिए ये है इसका हेवी सा गेट। तो ये जो है वही गेट है पुराने टाइम वाला, और काफ़ी हेवी है, काफ़ी मज़बूत है ये। और अंदर घुसते ही देखिए यहाँ पर जो है बड़े दरवाज़ा का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग जो है पहुँच चुके हैं पुराने किले के अंदर। और ये जो दरवाज़ा आपको सामने दिख रहा है, हमने बताया आपको यह है बड़ा दरवाज़ा, और कहा जाता है कि हुमायूं के टाइम में ही इसे बनाया गया था। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 20 मीटर ऊंचा लंबा है। और यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आप घूम सकते हैं। तो किला है, कुना मस्जिद है, शेर मंडल है, कुछ एक्सकेवेटेड रिमेन्स हैं, आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम भी है, हुमायूं दरवाज़ा और तलाक़ी दरवाज़ा हम आपको दिखाएंगे। और अगर जहाँ तक हम यहाँ पर आपको एक टिप दे दें, तो यहाँ पर आप जब भी आइएगा तो पहले बड़ा दरवाज़ा घूमिएगा, उसके बाद जाइएगा हुमायूं दरवाज़ा, फिर शेर मंडल, और उसके बाद मस्जिद कुना, और वहीं पर जो है हमाम भी आप देख सकते हैं। और फिर ये सारे घूमने के बाद जो है उल्टी डायरेक्शन में आप वहाँ पर जा सकते हैं तलाक़ी दरवाज़ा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर इसको आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। और दोस्तों ये जो है यही है हमाम, और ये देख सकते हैं आप ये जो है ये पानी का पाइपलाइन है। तो उस टाइम में ऐसा पाइपलाइन इस्तेमाल किया जाता था पानी के फ्लो होने के लिए। और इसके ऊपर अगर हम चढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे ऊपर में एंट्रेंस है, बहुत सारे गड्ढे इस तरह के बने हुए हैं, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको अगर हम दिखाएं तो ये देखिए ये थोड़ा सा भूतिया टाइप का कुछ लग रहा है इसके अंदर, और अंदर में ही बेसिकली हमाम है। और मेनली हमाम का मतलब होता है बाथरूम, नहाने की जगह। और यहाँ से अगर आपको हम दिखाएँ तो ये देखिए ये है हमाम में जाने का रास्ता। तो हम थोड़ा इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो इस तरह से अंदर में जो है कुछ दिख नहीं रहा है, ये पूरा जो है तो अंदर में जो है काफ़ी अंधेरा हो रहा है। और लेकिन इसकी जो ईंट वगैरह आप देख सकते हैं, ये ईंट दूसरे टाइप की ईंट लग रही है। तो ये था हमाम जो बादशाह अपने टाइम में इस्तेमाल किया करते थे। और यहाँ पर जो है ये पूरी हमाम की जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से जो हमाम को इस पर पढ़ सकते हैं। और ये है यहाँ का शेर मंडल, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टोटल 8 साइड हैं, और इसका जो नाम है वो रखा गया है शेरशाह सूरी के नाम पे। एक साइड में जो है यहाँ पर दरवाज़ा है, और ये जो दरवाज़ा है ये लॉक है। और अगर हम इसके पास यहाँ पर जाएँ तो नज़दीक से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर में ही बिल्कुल इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। ये देखिए है ना, इस तरह से आप इसमें ऊपर जा सकते थे। तो यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है, और तो दो साइड से जो है यहाँ पे आपको दरवाज़ा इसका दिख सकता है। और शेर मंडल से जुड़ा हुआ इतिहास ये भी है कि कहा जाता है कि हुमायूं जो है वो इसी शेर मंडल से गिर करके मर गए थे, क्योंकि हुमायूं की हैबिट थी कि जब भी अजान होती थी तो वो झुकने लगते थे। और एक बार जब अजान हुई वो ऊपर टहल रहे थे, अजान हुई वो जैसे ही झुके तो वो जो है ऊपर से नीचे गिर गए थे। 1556 में उनका इंतकाल हो गया था यहाँ से गिरने की वजह से। और यहाँ पे जो है आपको शेर मंडल के पूरे इतिहास की जानकारी मिल सकती है। अब जो हम पहुँचे हैं ये है किलाए कुना मस्जिद, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पूरी जानकारी जो है यहाँ पर पूरी दी हुई है। तो ये जो मस्जिद है ये एक ऐसी मस्जिद है जो शेरशाह सूरी ने 1541 में यहाँ पे बनवाई थी। और इसका अगर आप डिज़ाइन देखेंगे
तो यहाँ पर जो है तीन तरह के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। एक जो है वो वाला आपको दिख सकता है, कत्थे रंग का पत्थर है, एक लाल पत्थर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मार्बल और टाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ में ये कुछ काले पत्थर हैं जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा आप देखिए साइड में जो है यहाँ पर बहुत सारी कुरान की आयतें जो है यहाँ पर इस तरह से मार्बल में नक्काशी इसकी की हुई है। तो जहाँ तक हम इसमें मेहराब की बात करें तो टोटल इसके अंदर जो है 5 मेहराब हैं, देख सकते हैं आप, यानी 5 दरवाज़े हैं, और हर दरवाज़े के ऊपर देखिए एक खिड़की बनी हुई है। तो हो सकता है कि वो जो है वेंटिलेशन के में काम आता होगा। और हर एक दरवाज़े पे आप देख सकते हैं चारों तरफ में यहाँ पर भी जो है कुरान की आयतें लिखी हुई हैं हर एक दरवाज़े के ऊपर में। तो फ़िलहाल आइए अभी हम चलते हैं इसके अंदर। अंदर आने से पहले जो है आप लोग अपने जूते मोजे यहाँ पर खोल सकते हैं। और ये देखिए ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये सबसे मेन हिस्सा है जहाँ पे इमाम साहब नमाज को लीड करते थे। तो ये एक पूरा हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है। और इसकी नक्काशी देखिए, यहाँ पे पूरा टाइल्स यहाँ पे बने हुए हैं इस तरह से। और यहाँ पर भी देखिए कुरान की जो आयतें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। और काफ़ी अच्छा स्टाइल है, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर ये बना हुआ है। इसका गुंबद भी आप देख सकते हैं, गुंबद भी काफ़ी उसका बड़ा लग रहा है, काफ़ी ऊंचा। और इसी मस्जिद के दोनों साइड में देखिए दाहिने साइड में एक ओपनिंग है जो बंद है, और उसी तरह से वहाँ पे बाएं साइड में भी एक ओपनिंग है जो कि अभी बंद है। और इसके अलावा आपको हम दिखाते हैं यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक सीढ़ी बनी हुई है। तो फ़िलहाल जो है ये सीढ़ियाँ जो हैं बंद है, अब इसके ऊपर कोई जा नहीं सकता है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो पूरी सीढ़ियाँ जो हैं ये अभी बंद हो चुकी हैं। और मस्जिद के सामने में देखिए यहाँ पर जो है एक गोल सा स्ट्रक्चर है। तो हो सकता है कि ये उस टाइम में वज़ू करने के इस्तेमाल में आता होगा, वहाँ पे फव्वारा होगा। और फ़िलहाल अभी देखिए अभी जो है बच्चे वगैरह इसके अंदर खेलते रहते हैं, और वो सामने सीढ़ी बनी हुई है उससे आप नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर कुआँ है, आप ये कुएँ को भी देख सकते हैं, काफ़ी गहरा कुआँ है, लेकिन ये कुआँ जो है फ़िलहाल सूखा हुआ है। ये सूखा हुआ कुआँ है गाइस, आप क्लियरली देख सकते हैं ये बिल्कुल सूख चुका है। तो ये उसी टाइम का कुआँ है इस मस्जिद के बनने के टाइम का। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर जो गुंबद है इस पर सिर्फ एक ही गुंबद है। और मीनार की अगर हम बात करें तो बिल्कुल छोटे छोटे मीनार हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है सूरी वंश का स्ट्रक्चर है। और गाइस सबसे अहम तरीका पहचानने का सूरी वंश का है कि मुग़ल वंश का है। अगर आप कोई भी मुग़ल वंश का आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसके मेन गेट पे जो है ना 6 पॉइंटे सितारा बना होता है। तो वो आप पुराने किले के बड़े दरवाजे पे भी देख सकते हैं, और उसे जो है आप हुमायूं मकबरे के मेन एंट्री पे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो 6 सितारे का सिंबल यहाँ पर नहीं है। और दोस्तों जहाँ तक हम इस किले के इतिहास की बात करें तो इस किले का जो इतिहास है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मुग़ल और सूरी वंश दोनों से जुड़ा हुआ है। तो कहा जाता है कि 1538 में हुमायूं ने इस किले का निर्माण चालू किया था, और 1540 में जब शेरशाह सूरी उनको हरा दिया था तो 1540 से शेरशाह सूरी ने इसमें काम करवाए थे। हमने दिखाया आपको किला कुना मस्जिद, उनकी बनवाई हुई है, शेर मंडल उनका बनवाया हुआ है। उसके बाद 1545 में शेरशाह सूरी का इंतकाल हो जाता है कालिंजर में बम फटने की वजह से। 1554 में जो है इस्लाम शाह सूरी उनके बेटे का इंतकाल हो जाता है। ये देख करके हुमायूं की जो फौज है उसको एक मौका मिलता है कि फिर से जो है हम लोग गद्दी को रीस्टोर कर लें। 1555 में एक और जंग होती है, और फिर सूरी वंश को हराने के बाद हुमायूं जो है अपनी गद्दी वापस ले लेते हैं। लेकिन 1556 में क्या होता है, हुमायूं का जो है इंतकाल हो जाता है, और उस टाइम अकबर की उम्र 14 साल थी, और अकबर को जो है ताजपोशी कर दी जाती है। अब 1556 में जो है अकबर यहाँ के मुग़ल के बादशाह बन जाते हैं। इस मौके को देख करके उस टाइम सूरी वंश के राजा थे आदिल शाह सूरी, लेकिन आदिल शाह सूरी जो थे उनको उतना ज़्यादा राज से मतलब नहीं था, वो सिर्फ प्लेजर लविंग इंसान थे। और उनके राज में एक गवर्नर था जिनका नाम था हेमू, और हेमू ने ये मौका देखा कि हुमायूं तो मर चुका है तो क्यों ना हम फिर से एक बार हमला करें और फिर से गद्दी को वापस ले लें। और उसके बाद उसने हमला किया 1556 में जो कहलाता है बैटल ऑफ दिल्ली, और अकबर की फ़ौज को उसने हरा दिया। और फिर अकबर को हराने के बाद हेमू ने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी, और उसकी जो ताजपोशी हुई थी वो इसी पुराने किले के अंदर की गई थी। और लेकिन वो बस एक ही महीने के लिए यहाँ पर रह पाया था, और फिर से 1556 के आखिर में जो है यहाँ पर मुग़ल का दौर वापस आ गया था। तो गैस ये थी हुमायूं और शेरशाह सूरी की छोटी सी कहानी। गैस यहाँ पर देखिए
ये जो पूरा ढका हुआ है ना एरिया, ये है यहाँ का एक्सकेवेशन, यानी इसकी जो खुदाई यहाँ पे जो हुई थी, तो उससे यहाँ पे क्या क्या मिले थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख सकती है। तो कहा जाता है कि ये जो पूरी जहांपना सिटी है, एक महाभारत काल के इंद्रप्रस्था सिटी के ऊपर इसको बनाया गया था। तो फिलहाल जिसको पूरा कंप्लीट ढका ढक दिया गया है, तो यहाँ से जो है आप इसके प्लेक से जानकारी इसकी ले सकते हैं। और दोस्तों ये है तलाकी दरवाज़ा जो कि इसके उत्तर के डायरेक्शन पे है, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी दी हुई है। और इसमें देखिए ये जो आर्किटेक्चर है इसमें कैसा है कि यहाँ पर इसमें आपको दो दरवाज़े यहाँ पे दिख सकते हैं। एक दरवाज़ा नीचे वाला आपको दिख रहा है और एक जो है ऊपर वाला दरवाज़ा है, तो वो जो है वही मेन दरवाज़ा है, और जो नीचे का जो दरवाज़ा है वो असल में झील से यहाँ पे कनेक्ट होता है। और अगर हम इसके आसपास में और जाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना ऊंचा ये इसका मेहराब बना हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, अब इतने चौड़ी चौड़ी जगह यहाँ पर क्यों होती थी ये हमें नहीं मालूम। और इसका ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी देखिए कितनी अच्छी खासी यहाँ पर जगह है, इधर भी देखिए। और ये देखिए हम लोग थोड़ा ऊपर चढ़ के आ गए हैं, और इसके तलाकी दरवाजे के अंदर देखिए यहाँ पर जो है इस तरह की सीढ़ियाँ ऊपर में बनी हुई हैं। ऊपर में दरवाज़ा है कि वो भी बंद है, और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे ये बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, और यहाँ पर जो है एक पुल जैसा आकार यहाँ पे बना हुआ है। तो तलाकी दरवाज़े के साइड में आप देख सकते हैं इस तरह का जो है पूरा खंडर जैसा आर्किटेक्चर है, और यहाँ पर देखिए ये पूरी दीवारें हैं। तो यही जो सारी दीवारें हैं ये असल में कहलाती हैं दीनपना सिटी की दीवारें। तलाकी दरवाजे का जो एरिया यहाँ पे है ना, ये बहुत ही विशाल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कंप्लीट पूरी दीवारें हैं, दीवारों के अंदर जो है बहुत सारे खंडर हैं, उसके अंदर बहुत सारी सुरंगें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे आ करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जो है ये हुमायूं दरवाज़ा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है कितनी सारी यहाँ पे दीवारें बनी हुई हैं। और इसके अगर हम यहाँ पर नीचे दिखाएं तो नीचे में देखिए इस तरह से जो है यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इस हुमायूं दरवाज़ा जो उसको कहा जाता है, इसके नाम का दो रीज़न है, या तो ऐसा हो सकता है कि हुमायूं ने इसको बनवाया हो, या नहीं तो दूसरी चीज़ यह है कि इस जगह से जो है हुमायूं का किला दिखता था। और यहाँ भी आप देख सकते हैं अंदर में जो है बड़े बड़े मेहराब यहाँ बने हुए हैं, टोटल इस तरह से ऊपर नीचे कम्प्लीट मेहराब हैं। यहाँ पर भी देखिए, इधर भी देखिए, सामने में जो है रास्ता होगा लेकिन फ़िलहाल वो बंद कर दिया गया है। और ये सब सीढ़ियाँ देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये उस टाइम की सीढ़ियाँ नहीं थीं। ये देखिए ये नॉर्मल सीढ़ियाँ लग रही हैं, उस टाइम पता नहीं कैसा हुआ करता था। तो ये जो भी है ये है हुमायूं दरवाज़ा, इसके ऊपर देख सकते हैं अब दो छतरियाँ बनी हुई हैं। तो गाइस इस तरह से जो है हमने आपको घुमा दिया पुराना किला, और यहाँ पे जो कुछ घूमने का है आपका वो भी दिखा दिया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यह किला भी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो गाइस हम मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।